के प्लस में हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यालय में एक नारी लोग को सम्मानित करके हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गया में बीजेपी नेता डॉक्टर मनीष पंकज ने महिलाओं को किया सम्मानित। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं को अंग वस्त्र व पुष्प देकर किया अभिनंदन। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कटौती कर जताया पीएम मोदी का आभार। कहा प्रधानमंत्री का महिलाओं को बड़ा तोहफा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गया में भाजपा नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली महिलाओं को अंग वस्त्र व पुष्प देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। महिलाएं समाज का अभिन्न हिस्सा है, नारी सर्वोपरि है। देश के विकास में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। महिलाएं प्रतिभा के बलबूते विभिन्न क्षेत्रों में अलग पहचान बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राजनैतिक भागीदारी के लिए 33% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सम्मान के रूप में घरेलू गैस पर 100 रुपए कम करना प्रत्येक महिला का सम्मान है। इस मौके पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद अधिवक्ता, मीडिया प्रभारी संतोष ठाकुर, व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक दीपक पांडे, भाजपा नेता राणा रंजीत सिंह, वार्ड पार्षद सारिका वर्मा, सुनील बम्बैया, सुषमा देवी, सूजा देवी, पूनम देवी, बिंदु बाला सिन्हा, सोनम कुमारी, नीमू कुमारी, रीना कुमारी, पूनम देवी, पिंकी देवी, आशा देवी, संजू देवी सहित अन्य को सम्मानित किया गया। आज विश्व नारी दिवस है, इसी के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कार्यालय में एक नारी लोग को सम्मानित करके हम लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज हम लोग भारतीय पूरे भारत देश के लोग नारी को सर्वोपरि मानते हैं और नारी को पूछते हैं और हम लोग हमेशा नारी का सम्मान देते हैं कि नारी ही देश की आगे उन्नति की ओर हम लोग को ले जाएगी। अपना परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मनीष मिश्रा, भाजपा नेता, गया जी बिहार। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट।